सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आ चुका हूँ मैं कौन, अरे ये कौन के बच्चों को चुप कराओ यार। सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आ चुका हूँ मैं एक और नई सस्ती कमेंट्री के साथ वापस। अब यार यहाँ पर मैं सुबह उठता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई #2Superstar मेरे लॉबी में कैसे खड़े हुए हैं यार। सुबह सुबह मतलब एकदम से झटका सा लग जाता है। चलो यार बहुत झूठ बोल लिया। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ सायर भैया #2Superstar हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सायर भैया को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये वीडियो बहुत पुरानी है, अब डाल रहा हूँ पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर यार मतलब मन करता है मेरा, मैं बोलता हूँ सायर भैया बहुत टाइम से हम लोगों ने 1v1 नहीं कराए, तो यार एक कस्टम रूम तो हो ही जाए। इसी बात पे आप #2 भी आ चुके हो और एक कस्टम रूम मेरा भी हो ही जाए। तो यहाँ पर मैं सायर भैया को बोलता हूँ जाओ भैया फटाफट से जाके गोली की स्पीड में जाओ, एक कस्टम रूम बनाओ और मेरे को इनवाइट कर देना। अब यार यहाँ पर जो होने वाला है वो देखकर तो मेरे को एक सेकंड के लिए झटका लग चुका था, आप लोग भी देखो। तो यहाँ पर मुझे सायर भैया की इनवाइट आती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे को ऊपर इन्वेंट्री दिखता है, लेकिन अभी आप जो देखने वाले हो भाई वो देख के तो मेरे को पहले लगा कि भाई ये क्या है। अभी देखा मैंने स्पेक्टेटिंग, पहले यहाँ सब देखा, एम असिस्ट वगैरह सब इनेबल है। यहाँ पर इन्वेंट्री सिलेक्टेड था और यहाँ पर ये मैच स्टार्ट होता है। और अब यहाँ पर ये जो मैच लगने वाला है वो है भाई इन्वेंट्री होगा ना, इन्वेंट्री के अलावा और क्या लग सकता है जब इन्वेंट्री सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर ये मैच शुरू हो चुका है। मैंने पहले ग्रोजा निकाली, ग्रोजा के बाद मैंने निकाली M4। और अब यहाँ पर मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कैसे मैं सायर भैया को पेलूंगा, मतलब अच्छे से आज तो भयंकर सायर भैया की बैंड बजा देनी है, ऐसे खतरनाक प्रो प्लेयर बन के खेलूंगा कि मतलब मैं ही जीतूंगा। अब यहाँ पर मैं फुल फॉर्म में आगे जा रहा हूँ। और भैया कहाँ पे हैं? ये भैया की टैप टैप नहीं आएगी आज लगता है, तो मैं ही टैप टैप करके बता देता हूँ। तो भैया यहाँ से आ रहे हैं, फ्री फायर दो, कवर में आओ। और यहाँ पर मेरा डिवाइस जो लैग हुआ है, मेरे को पता है भैया यहाँ से नहीं आएंगे, अभी नहीं है। चलो भाई फर्स्ट किल मैंने यहाँ पर निकाल लिया है अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम मतलब हवा में उड़ता हुआ गया हूँ और पहला किल निकाल लिया है। ये M249 उठा लेनी चाहिए, मेरे को पता है 500 गोलियाँ तो लग ही जाती है भैया को मारते मारते। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड किल कौन, क्या मैं ही निकाल लूँगा यार, सिंपल सी बात है, सेकंड किल भी मैं ही निकालूंगा, इतना प्रो हूँ मैं। चलो भैया ज़्यादा प्रोनेस दिखा चुका हूँ मैं अपनी। अब देखते हैं यहाँ पर यार थर्ड किल कौन ले जाता है, देखते हैं। चलो यार मैं ही ले जाऊँगा, मेरे को अपने पे पूरा विश्वास है, पूरी दुनिया में अपने आप पे कायम हूँ भाई मैं देखो अभी कितना प्रो हूँ। ये लगा हेड, अरे मार दिया भाई, 111 का डैमेज दिया था मैंने, कैसे? वो तो मैं जान मुझके मर गया, अच्छा सॉरी भाने नहीं दूंगा मैं, बट भाई मैंने हेड मारा भैया को लेकिन मरे नहीं भैया, अमर टाइप के लगता है, मतलब अनलिमिटेड हेल्थ लगा के बैठे हैं भैया। चलो भैया आगे चलते हैं फटाफट से। और यहाँ पर मैंने भैया को दिया डैमेज और बस ये किल मेरा ही हुआ। आइए मतलब मैं इतना प्रो तो हूँ कि मेरे को पता है मेरा किल कब आने वाला है, मतलब मज़ा आ गया। चलो भाई अब देखते हैं फोर्थ किल मेरा जाएगा या भैया का सेकंड किल जाएगा। यहाँ पर जिगल जिगल देखे हेल्थ फुल कर लेता हूँ फटाफट से। और भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ हैं भैया? भैया टैप टैप देके बता दीजिए हमको। और यहाँ पर भाई मैं ही ले जाऊँगा ये किल। और देखो भाई कितना प्रो हूँ यार मैं, मतलब प्रोनेस तो मेरी गोलियों से ही टपक रही है। नहीं यार मैं मतलब इतना प्रो हूँ मेरे को पता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब सच बोलता हूँ मैं एकदम। अरे भैया भागो नहीं, अरे वेस्ट नहीं थी यार, वेस्ट होती तो मैं मार देता यहाँ पर भैया को, बट कैसे मारता, भैया ने तो एक ही बारी में मार दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं जान मुझ के मरा हूँ, फिर से किसी को नहीं पता चलेगा मैं गलती से मरा हूँ, बट कोई नहीं चलता है। अभी देखो 4-2 चल रहा है और ये 4 की जगह 5 होने वाला है और भैया का यहाँ पर 2 की जगह 2 ही रहेगा। फुल प्री फायर दूंगा मैं, मेरे को पता है भैया इधर से ही टपकेंगे, वो दिखे भैया मेरे को देखो, और वहाँ से भैया भाग के मेरे पास आ रहे हैं आगे। और देखो मेरी प्रोनेस, अरे भाई ये क्या था, ये कैसे मार रहे हो इतना खतरनाक आप, खतई कतई, मतलब एक एक दो दो गोलियों में मेरे को पूरा ही जिंदा गाड़ दे रहे हैं भैया। तो अब यहाँ पर मैं भैया, अरे भैया क्या कर रहे हो भैया, ऐसे टीपी भी मत लो यार, ऐसे पीक लेके मारोगे तो मैं हेड में दर्द दूंगा 2-4 गोलियां, कतई मतलब शरीर के आर पार कर दिए मैंने भैया के, सर के ऊपर से गोलियां निकाल दिए, करेक्टर के भैया के नहीं, भैया के करेक्टर के। भैया कहाँ देख रहे हो, हम देखो हम पीछे से आ चुके हैं आपके, आओ भैया फाइट लीजिए, अब भागिए मत भैया, ऐसा नहीं होता, भागना नहीं चाहिए, गलत बात है ये, क्या ही बोलूँ भैया कितना भागेंगे, भैया को बहुत डैमेज दिया हूँ मैं, भैया भागने लगे हैं, अब देखते हैं भैया कहाँ तक भागते हैं। अरे भैया भैया कतई प्रो, भैया को 214 का डैमेज पड़ा, मतलब दोनों बार मैंने डैमेज काफ़ी तगड़ा दिया, लेकिन भैया यहाँ पर अपनी प्रोनेस से बच गए। कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई करेंगे। और अभी 5-4 का स्कोर चल रहा है, तो इस 5-4 को हम 50-4 पे लाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये हेड कैसे लगा, मज़ा आ गया एकदम सुन के, भैया भागना मत,
भैया ऐसा नहीं होता, ऐसे 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 मेरे हेड से बच के आप नहीं भाग सकते, पता है मैं इतना प्रो हूँ, मतलब मेरी गोलियाँ अपने आप मैजिक बुलेट की तरह चिपकती हैं यार, मतलब ऐसे कैसे, ये देखो देखो मेरी मैजिक बुलेट क्या बढ़िया चिपकी है, मतलब भैया की गोलियाँ मेरे पे चिपक गई लेकिन मेरी गोलियाँ नहीं चिपकी, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई करेंगे, इस बार तो हम भैया को पक्का मारेंगे, अभी देखो कैसे मारते हैं। और यहाँ पर मेरा पूरा 11 का डैमेज लगा है, मतलब वो ग्लिच से आपको 11 दिख रहा है लेकिन वो 111 का डैमेज है, पता नहीं क्या ग्लिच है, बीजी हमारी क्या अलग अलग ग्लिच लाते रहते हैं। यहाँ पर भैया मेरे को दिखिए, अब देखो अब भैया भागना शुरू हो चुके हैं, फिर से भागम भाग शुरू हो चुका है यहाँ पर, और देखते हैं इस बार भागम भाग में कौन जीतता है। और यहाँ पर मेरी गन रिलोडिंग में मैंने पिस्टल निकाली और यहाँ पर मेरी पिस्टल से सारी प्रोनस निकल चुकी है, और यहाँ पर भैया मेरे को 10-15 गालियाँ सुना रहे होंगे कि साले M4 ओनली करके पिस्टल से पेल के निकल लिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम 10-15 गाली खा लेंगे, चलता है 10-15 गालियाँ, लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम जीत के रहेंगे इस मैच में। और यहाँ पर मैंने 117 का डैमेज दिया, पता नहीं मेरे एम ने क्या करा, अचानक से मेरी गोलियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाके लगने लगी, और 117 का डैमेज के बाद भी मैं मर गया। और यहाँ पर अब देखो मैं क्या करता हूँ, फुल फ्री फायर दूंगा इधर भी, फुल फ्री फायर दूंगा उधर भी, और यहाँ पर मेरा स्कोप नहीं खुला वरना भैया अभी तक पेटी बन चुकी होती भैया की, ग्लेशियर भैया पे भी है, बट यहाँ पर मेरा प्रोन शॉट काम नहीं आया। मैं कह रहा था ग्लेशियर मेरे पे भी है, ग्लेशियर भैया पे भी है, बट भैया की ग्लेशियर मैक्स है तो किल फील्ड में ज़्यादा चमकती हुई दिखती है। और ये चूरण बेचने वाली आंटी पीछे से चिल्लाने लगी कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जो करना है कर लो। फिलहाल के लिए मैच काफ़ी इंटेंस, और यहाँ पर मैं प्रो वन शॉट की वजह से बच गया हूँ। मेरे को पता था मैं बच जाऊँगा क्योंकि मैं खानदानी प्रो पैदाइशी प्रो हूँ ब्रो। अभी हमारे पास टोटल 4-5 मिनट बचे हुए हैं और अभी बराबर का स्कोर चल रहा है, तो मेरे को ये मैच काफ़ी अच्छे तरीके से जीतना है। और यहाँ पर मेरी गन शॉट और प्रोन शॉट कुछ काम नहीं आया, गन स्विच करते करते मैं मर गया, और वो अच्छा बोल रहा था, मैं गलती से कच्चा निकल गया पता नहीं कैसे, बट कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे और ये स्कोर अभी हम आगे ले जा के रहेंगे। फिलहाल के लिए भैया यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ मेरी फ्री फायर काफ़ी ज़्यादा काम आई, और यहाँ पर मैं 50 HP बचा चुका हूँ अपनी काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब मेरी भाई फ्री फायर काफ़ी काम आती है, मतलब मेरी इस फ्री फायर की वजह से लोगों को लगता है मैं 40 FPS प्लेयर बिल्कुल नहीं हूँ। और अब देखो यहाँ पर मैं भैया को किस तरीके से मारूंगा, खतरनाक तरीके से एकदम। यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ भैया की तरफ, ये भैया की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और शायद से जिस जगह पे मैं मर रहा हूँ बार बार यहीं पे क्यों मर रहा हूँ पता नहीं, ये जगह शायद मेरे लिए पनौती है, बट कोई बात नहीं, पनौती जगह भी एक दिन हमारे लिए लकी हो जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर स्कोर चल रहा है 10-9 का, मतलब 9 मेरे हैं और 10 भैया के हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर फ्री फायर काफ़ी अच्छी दे रहा हूँ, अब देखते हैं क्या होता है भाई यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने भैया को हवा मोड़ता हुआ डैमेज दिया, अब देखते हैं भैया रश करते हैं कि नहीं। अब भैया ने यहाँ पे अपनी 69 स्ट्रेटेजी लगाई, मिड से आ रहे हैं भैया, और यहाँ पर अब मैं प्रोन शॉट मारना बिल्कुल ही छोड़ दूंगा क्योंकि मैं हर बार प्रोन शॉट की वजह से मर जाता हूँ। अभी यहाँ पर जो स्कोर चल रहा है वो चल रहा है 9-11 का, मतलब 9-11 चलती है क्या, 9-11, अच्छा वो 9-12 था, चलो कोई नहीं, सामने भैया स्पॉट हुए मेरे को। अब भैया यहाँ पर रश करेंगे आई नो, और यहाँ पर भैया ने प्रोन शॉट मार के, मेरा ही प्रोन शॉट मेरे पे मार के मेरे को पेल दिया। अभी जो स्कोर चल रहा है 9-12 का चल रहा है, लेट्स सी आगे चलकर ये स्कोर कितना रहता है। और अभी मैं यहाँ पर फुल फ्री फायर बाजी करता हुआ जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी फॉर्म बढ़ चुकी है, और भैया सामने स्पॉट हुआ और यहाँ पर मैंने हक दिया है क्योंकि मेरा एम बहुत ही टट्टी है। और यहाँ पर भैया ने पिछवाड़े पर डैमेज दिया मेरे, और यहाँ पर देखो भाई ये जंप एंड शूट के लिए एक लाइक तो बनता है, और एक कमेंट में जरूर बता देना कैसा लगा आपको जंप एंड शूट इसकी बहन की। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की, जो कि मेरे को भी नहीं पता आज तक कोई स्पॉन्सर क्यों नहीं करता मेरे को, क्या मेरे व्यूज इतने कम आते हैं। चलो भाई आगे चलकर देखते हैं भैया कहाँ पे हैं। तो भैया यहाँ पर स्पॉट हुए, और यहाँ पर मैंने फ्री फायर दिया, और यहाँ पर भैया पिछवाड़े कूदते कूदते मार रहे हैं, और भैया ने यहाँ पर तीनों हेड मारे और मेरे सर खोल दिया पूरा, मतलब मुंडी उड़ाई दिए, गायब कर दिए। फिलहाल के लिए भैया यहाँ पर 10-13 की लीड में चल रहे हैं, मतलब भैया 3 किल की लीड में चल रहे हैं अभी। क्या यहाँ पर मैं बराबरी कर पाऊँगा भैया की, शायद से नहीं। और यहाँ पर पता नहीं मेरी गोलियाँ कैसे चिपक गई, और यहाँ पर मैं बच गया, मतलब मैं फुल भयंकर स्पीड में भागता हुआ आया, डुन करता हुआ, और यहाँ पर मैं बच गया। अभी यहाँ पर 11-13 का स्कोर चल रहा है, भैया यहाँ से मिट जाए, और यहाँ पर मैं भैया को फ्री फायर दे के बता दिया हूँ, और यहाँ पर मैं फिर फ्री फायर दे रहा हूँ, और बस यहाँ पर मैं मर गया हूँ। और भैया ने यहाँ पर फिर से प्रोन शॉट मारा और मैं हक दिया, और ये BGMI के पता नहीं कैसे कैसे ग्लिच है, वहाँ मेरे को 2 हेड की आवाज़ आई लेकिन एक भी हेड नहीं लगा, पता नहीं कैसे गांजे फूक के BGMI बनाया गया है, ऐसे ग्लिच मत लाओ यार BGMI प्लीज़। और तुम्हें गांजा चाहिए तो मेरी खेती पे आओ, मैं तुम्हें ला के दूंगा बढ़िया गांजा कंपनी का। और यहाँ पर फिर से एक टक लगने की आवाज़ आई मेरे को टंग से करके, और यहाँ पर वो हेड भी कनेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं कैसे गांजे फूक के BGMI बनाया गया है। ये हेड की साउंड मत ही लगाओ यार, बेकार है बिल्कुल एकदम गू, मतलब मज़ा आया था सुन के फिर भी गू है।
और यहाँ पर मैंने बढ़िया तरीके से डॉज करके यहाँ पर भैया को पेल दिया है, मतलब रिफ्लेक्सेस दे रहे हो एकदम खतरनाक रिफ्लेक्सेस। और ये पीछे से चाट वाले बोले तो गोलगप्पे वाले अंकल पीछे से घंटियाँ बजाए जा रहे हैं इतनी देर से, और ये बच्चे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। पता नहीं भाई ये दिवाली आते ही भयंकर बच्चों के पटाखे ऐसे फूटने के लग जाते हैं। और आज ये कि ये वीडियो जो है दिवाली के दिन आ रही है, तो यार मतलब मैं वॉइस ओवर एक दिन पहले कर रहा हूँ, बट ये वीडियो दिवाली के दिन डालूंगा, ये मेरा प्लानिंग था पहले से। और यहाँ पर मैंने सर पे गोलियाँ मारने की ट्राई करी, यहाँ पर डैमेज, और यहाँ बच्चे ने एक और पटाखा फोड़ दिया है। और यहाँ पर भाई ये वाले के लिए एक लाइक तो बनता ही है, मतलब इतने लाइक तुम अंधे लाइक कर दो, 100-200 लाइक कर दो, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर तुम लोगों ने भैया का भी रिएक्शन देख ही लिया होगा, भैया ने कैसे बोला अरे भाई ये क्या था। और यहाँ पर मेरी वॉइस में बेस लग चुका है, और यहाँ पर मैंने फुल फ्री फायर दी, और यहाँ पर पता नहीं भैया कैसे बच गए, मैं भी बहुत डैमेज हूँ, मैं आगे नहीं जाऊँगा, भैया आगे आएंगे तो मैं मारूंगा भैया को, मतलब देखो भाई। और यहाँ पर भैया का जो टकला लगा है टुंग से करके मज़ा आ गया एकदम से, मतलब दिल खुश कर देता भैया, ओपी भैया। 30 सेकंड बचे हैं यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर अभी स्कोर चल रहा है 14-16 का, क्या यहाँ पर मैं बराबर कर पाऊँगा, लेट्स सी क्या होता है। और भैया यहाँ पर कूदते हुए, और यहाँ पर मेरी गोलियाँ भैया की गंदी लोडिंग, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मौका मिला मेरे को। और पता नहीं मैं इतनी तेज क्यों बोल रहा हूँ, फुल स्पीड में आज पता नहीं क्या हुआ भाई मेरे को, थक गया हूँ भाई मैं सांस लेने के लिए, मौका दे दो ओ भाई। और यहाँ पर लास्ट स्कोर भी मैं ले चुका हूँ, और 16-16 का स्कोर, 4 सेकंड बचे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये मैच टाई करके ही रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। यार बस ये वीडियो बस इतनी ही थी, मज़ा आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके एक बार जरूर बता देना मेरी सस्ती वॉइस ओवर आपको ऐसे ही चाहिए या कुछ और इम्प्रूव करूँ मैं। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये चिड़ियों की आवाज़ आप सुनते रहो, जय हिंद वंदे मातरम।